देखिए कैसे एक बाघ रात होते ही बदल जाता है एक खूनी टाइगर मैन में और जंगल के जानवरों का एक एक करके खून पीने लगता है। ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं इस कहानी में। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, सभी बहुत खुश थे। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो बाघ बहुत ही शांत रहने वाला और दयालु था। वो सभी से दोस्ती रखता था। जंगल में किसी से भी उसका झगड़ा या बैर नहीं था। फिर एक दिन सुबह को जब जंगल के जानवर अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई जानवर पूरी तरह से जख्मी हालत में मरे हुए पड़े हैं। सभी बहुत डर गए। अरे ये क्या, ये सब किसने किया? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा जानवर नहीं जो ऐसा कर सके। जरूर किसी दूसरे जंगल से कोई जानवर हमारे जंगल में आया है और उसी ने ये सब किया है। मुझे तो ये काम किसी शेर का लगता है। शेर के अलावा कोई जानवर ऐसा काम नहीं कर सकता। हम सबको भी बचकर रहना होगा, नहीं तो वो शेर हम सबको मार डालेगा। अगले दिन जब जानवर उठे तो फिर से वहाँ पर कई जानवर मरे हुए पड़े थे। अब सभी जानवर बहुत ज्यादा डर गए। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इस मुसीबत से जल्दी से छुटकारा पाना होगा। हाँ हाँ बकरी बहन, ऐसे तो जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। बाघ बहुत देर से कुछ सोच रहा था, तभी वो जानवरों से बोला, देखो दोस्तों, हमें सोच समझ कर एक प्लान बनाना होगा और उस शेर को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। फिर वो बाघ अपना प्लान सबको बता देता है। अब जानवर वहाँ पर बहुत सारा मांस एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं और सभी एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं और उस शेर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही शेर वहाँ पर घूमता हुआ आता है और जब वो इतना सारा मांस देखता है तो वो खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो बिना शिकार किए मुझे इतना सारा भोजन मिल गया। अब मैं मजे से पार्टी करूंगा। और फिर वो शेर सारा का सारा मांस खा जाता है। मजे मजे में वो शेर बहुत ज्यादा खा गया था और अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। आहा, बहुत ज्यादा खा लिया है, अब तो हिला भी नहीं जा रहा है। थोड़ी देर यही आराम करता हूँ, फिर आगे चलूंगा। और फिर वो शेर वहीं पर आराम करने लगता है। तभी सभी जानवर जो छुपे हुए थे बाहर निकल आते हैं और शेर पर हमला कर देते हैं। शेर ज्यादा खाने की वजह से हिल भी नहीं पाता है और जानवर उस शेर को मार मार कर बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। सबने समझ लिया था कि अब ये शेर नहीं बचेगा और सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल गए। बाघ वहीं पर खड़ा था। शेर मुश्किल से बाघ से बोलता है, तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे मारकर तुम सब बच जाओगे? अब से मैं आत्मा बनकर जंगल के जानवरों का खून पीऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर शेर मर जाता है। ये सब बातें एक चील भी पेड़ के ऊपर बैठा सुन रहा था। रात होती है और बाघ अपनी गुफा में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर उस शेर की आत्मा आती है और बाघ के शरीर में प्रवेश कर जाती है और देखते ही देखते वो बाघ एक शैतान मानव बाघ में बदल जाता है और फिर वो जंगल में घूम घूम कर जंगल के जानवरों का खून पीने लगता है और एक एक कर वो कई सारे जानवरों का खून पी जाता है। सुबह होते ही बाघ फिर से अपने रूप में वापस आ जाता है। जब जंगल के जानवरों के शत विशत शरीर देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है।
क्योंकि उस शैतान मानव बाघ ने उनको बुरी तरह से मारा था। अरे ये क्या, वो शेर तो मर चुका है, फिर भी जंगल के जानवर इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं। मुझे ये किसी जानवर का काम तो नहीं लगता, ये काम तो किसी शैतान का लगता है। वो चील भी वहाँ बैठा था और सोच रहा था। अरे ये जरूर उस शेर की आत्मा का काम है, अगर मैंने उसका राज खोल दिया तो कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। रात होती है और फिर से शेर की आत्मा बाघ के शरीर में प्रवेश करती है और शैतान बाघ मानव का रूप धर लेती है और फिर वो जंगल में जहाँ भी जानवर मिलता है उसका खून पी जाती है। सुबह होते ही बाघ फिर से पहले जैसा हो जाता है। जब जंगल के जानवर फिर से इतने सारे जानवरों को मरा हुआ पाते हैं तो वो सब उस जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। अब चील से रहा नहीं जाता, वो नहीं चाहता था कि जंगल खाली हो जाए और वो सबको शेर की आत्मा का रहस्य बता देता है। और फिर एक हिरन बोलती है, मैं एक नागिन को जानती हूँ, उस नागिन के पास रहस्यमय शक्तियाँ हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। अब सभी जानवर उस नागिन के पास जाते हैं और पूरी बात नागिन को बता देते हैं। मैं सब समझ गई, रात होने